जी से अनुरोध करती हूँ कि सड़क का अनावरण करके विक्रम को गति दें। नोएडा का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर जो कि स्वदेशी रूप से BHEL में निर्मित किया गया है, BHEL की हरिद्वार यूनिट में इसका निर्माण हुआ है और हैदराबाद की टीम ने इसे डिजाइन किया। थोड़ा तो भागेंगे सर, थोड़ा तो भागेंगे। और ये आत्मनिर्भर भारत के जो एक सपना है, और अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि कृपया रिबन काट के वाइट ये देखो क्या लगा रखा है भाई, फ्लैश से यार मत क्या कर रहे हो तुम, एक फ्लैश का डाल दो। और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा रिबन काटकर ये जो मुख्य द्वार है इसमें प्रवेश किया जाएगा जी, तालियां कृपया बजाते रहे। आपने शुभारंभ के मौके पर भेल के अभियंताओं के द्वारा इसकी जानकारी दी गई, इसका कैसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की ये गंदी हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने जमीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसके इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। तो क्या आने वाले वक्तों में, क्योंकि 2 से 3 किलोमीटर का इसका रेडियस है, तो क्या आने वाले वक्तों में रिहायशी इलाकों में भी इस तरीके के टावर बनाए जाएंगे? अभी ये प्रयोग शुरू हुआ है, निश्चित तौर से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो यह कम लागत पर हमारे भेल ने इसको अपने स्वयं की डिजाइनिंग करके किया है और दूसरा ये तो अपनी तरफ से हम लोगों ने किया है, फिर हम इस कोशिश में आगे बढ़ेंगे कि हम इतनी कम लागत के दृष्टि से इस संयंत्र को तैयार करें कि संस्थाएं, सरकारें और इंडस्ट्रीज सब इसमें आगे आएं और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को प्रदूषण मुक्त वायुमंडल देने की कोशिश की जाएगी, उसमें हम अभी और आगे पहले करेंगे। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सभी शहरों में इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हवा की गुणवत्ता को ठीक किया जाए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। WHO के मानकों के अकॉर्डिंग जो एयर क्वालिटी 0 से 50 के बीच होनी चाहिए वो हमारे यहाँ मुश्किल से ही कभी 0 के 50 होती है पूरे साल में, वो ज़्यादातर 300, 400, 500 और 1000 तक जाती है। तो ऐसे में तमाम तरह के इनिशिएटिव्स शुरू किए गए हैं कि कैसे हवा की गुणवत्ता को ठीक किया जाए। उसी कड़ी में नोएडा अथॉरिटी ने भी BHEL के साथ मिलकर के एक स्मॉग टावर या एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए एक टावर लगाया है फिल्म सिटी नोएडा में, और ये जो टावर है दावा किया जा रहा है कि ये 1 किलोमीटर के आस दायरे में कहीं ना कहीं हवा की जो हवा में जो पॉल्यूशन है, जो PM 2.5 है, PM 10 है, उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करेगा और एक बेहतर हवा लोगों को दे पाएगा। तो ऐसे में जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल की, क्योंकि इसके उद्घाटन से पहले से ही इस बारे में हम लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की कि इस तरह के जो एयर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए जो टावर लगाए जा रहे हैं, जिन्हें स्मोक टावर भी कहा जा सकता है, ये यहाँ पर कारगर नहीं है। दुनिया के कई देशों में, चीन या अमेरिका या फिर दिल्ली में भी इसका अभी परीक्षण चल रहा है, ये एक प्रूवन टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बावजूद भी 4-5 करोड़ रुपए खर्च करके नोएडा अथॉरिटी BHEL ने CSR में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है और लोगों को एक तरह से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि उनकी हवा को साफ करने के लिए एक प्रयास किया गया है, जबकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कारगर नहीं है। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और कहीं ना कहीं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं एक ओपन एनवायरनमेंट में आप इस तरह के क्या डिवाइसेस लेकर के आ सकते हैं, एक स्मोक टावर कैसे उस हवा को साफ कर सकता है। एक बंद कार में, बंद मकान में एक हद तक आप एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की डिवाइसेस को जब आप ओपन में लगाएंगे तो ये किसी आई वॉश से कम नहीं है। मतलब लोगों को
भ्रम में डालने से ज़्यादा ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह की रिसर्च अभी इस पर हो पाई है। जब कल सुबह हम लोग पोर्टेबल एयर मॉनिटरिंग डिवाइस लेकर के वहाँ पर गए, स्मोक टावर फिल्म सिटी गए नोएडा में, तो हमने पाया स्मोक टावर और उसके आसपास के कुछ मीटर के दायरे में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, 300 से ऊपर तक जा रही थी जो 0 से 50 होनी चाहिए। साथ ही साथ चौंकाने वाली बात ये थी, जब हम इस स्मोक टावर से 100 200 300 मीटर दूर गए तो एयर क्वालिटी जो थी वो टावर से भी बेहतर थी। अल्टीमेटली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस टावर के आसपास और ज़्यादा हवा ख़राब थी। रजनीगंधा चौक पर हम गए नोएडा में, वहाँ एयर क्वालिटी जो है थी उससे कहीं ज़्यादा ख़राब स्मोक टावर के पास थी। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो टावर लगाया गया है अभी तक ये वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी साबित हुआ है, और अगर एक्सपर्ट्स इसके लिए दावा कर रहे हैं कि ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स देगा तो वो हमारे सामने ये साबित करें कि ये जो स्मोक टावर आपने लगाया है ये नोएडा के लोगों को कितनी बेहतर हवा दे पा रहा है, नोएडा के लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिला।